हम में से बहुत सारे लोग एक शानदार तरीके से लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात करते हैं लीडर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करने की, तो वहां पर हमारा जो बिहेवियर होता है वो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। आप कहने की बात तो ये है कि आप लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात है लीडरशिप दिखाने की बात करते हैं, तो वहां पर आप उस चीज को कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक लीडर जो होता है ना, उसके बिहेवियर से सामने वाला अपने आप इंप्रेस जाता है एंड दे बिलीव दैट दिस पर्सन इज राइट पर्सन टू बिकम लीडर। तो आपको लीडर बनना है तो याद रखिएगा, एक लीडर जैसा बिहेवियर अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अब सपोज करिए, मान लीजिए सपोज करिए आपके घर में ही कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, या तो आप उस प्रॉब्लम को एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से आप रिप्लाई करते हैं, या आप उसके दो तीन एस्पेक्ट को समझने के बाद में फिर आप रिप्लाई करते हैं। और जब दो तीन एस्पेक्ट को समझ के रिप्लाई करते हैं तो अपने आप एक लीडरशिप अप्रोच आपका देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात, सपोज करिए आप एक ऐसी जगह में हैं जहां पे आपके नीचे कुछ सबॉर्डिनेट भी हैं। अब देखिए, बिहेवियर आप समझने की कोशिश करिए, एक लीडर से आप कैसे सीख पाते हो। सपोज करिए एक लीडर वहां पर है, मान लीजिए एक बॉस है और उसके नीचे एक सबॉर्डिनेट है, मान लीजिए कोई एक मैनेजर है और उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर से मिलने जाता है और अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, तो वहां पे यदि मैनेजर उसके साथ थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेवियर करता है, या कैसे मिलते हैं कि थोड़ा एक खींचने वाला एटीट्यूड जो है उसके अंदर है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो असिस्टेंट मैनेजर होता है अपने नीचे के जो सबॉर्डिनेट होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके साथ वो वैसा ही बिहेवियर करेगा। लेकिन सपोज करिए मैनेजर के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है और मैनेजर कहता है कि लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर, उस कंडीशन में जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके अंदर भी एक लीडरशिप पैदा होगी, वो भी अपने सबॉर्डिनेट के साथ में एक अच्छा बिहेवियर दिखाएगा। इसलिए कहते हैं लीडर क्रिएट्स अ लीडर। रिमेंबर दिस लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लीडर का जो बिहेवियर होता है उससे और फर्दर लीडर क्रिएट होते हैं, और आपको भी अपने अंदर ऐसी लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, तभी जाके लोग आपको वाइडली एक्सेप्ट करते हैं कि यू आर एज अ लीडर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं आपको फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।